वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना भी ठीक से खत्म नहीं हुआ कि मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। इसने लोगों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, यानी अगर कोई किसी संक्रमित के संपर्क में आता है तो उसे भी तुरंत पकड़ लेता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे इन चार स्टेप्स को फॉलो करके बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। यूके में मंकी पॉक्स का इम्यूनिटी स्प्रेड। मंकी पॉक्स ने केंद्र और राज्यों के सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कई राज्यों में तो सरकारों ने खास गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। यूरोप और अफ्रीका देशों से इसके काफी मामले सामने आए हैं। वहीं यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी इंग्लैंड में कम्युनिटी स्प्रेड होने की बात कही है। यहाँ अभी तक 132 लोग मंकी पॉक्स की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 111 लोग गे हैं या फिर बायसेक्सुअल। यही वजह है कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। मंकी पॉक्स कौन कौन से हैं चार स्टेप्स? बता दें कि मंकी पॉक्स वायरस चार स्टेजों में फैलता है, जिसमें हर स्टेज पर अलग अलग लक्षण दिखते हैं। स्टेज वन, पहली स्टेज पर कोई व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो वो लक्षण महसूस करना शुरू कर देता है। लक्षण अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं और काफी हद तक बुखार जैसे लगते हैं। पहली स्टेज के लक्षणों में आपको बुखार, शरीर में दर्द और थकान महसूस होती है। स्टेप टू, मंकी पॉक्स के दूसरी स्टेज में बुखार जैसे लक्षण तो रहते ही हैं, साथ में स्किन पर थोड़ी संख्या में कुछ गांठें दिखनी शुरू हो जाती हैं। स्टेप थ्री, मंकी पॉक्स की तीसरी स्टेज पर लिम्फेडेनोपैथी हाथों, पैरों, चेहरे, मुख या प्राइवेट पार्ट्स पर होने वाले दानों या चकत्ते में बदल सकती है। स्टेप फोर, मंकी पॉक्स की चौथी यानी आखिरी स्टेज पर ये दाने या चकत्ते उभर कर बड़े दाने हो जाते हैं या कुछ ऐसे पेस्ट्यूल में बदल जाते हैं जिनमें मवाद भरी होती है। मंकी पॉक्स का इलाज क्या है? मंकी पॉक्स का अभी तक कोई प्रमाणित इलाज नहीं मिला है। WHO ने लक्षणों के आधार पर कहा है कि संक्रमित लोगों को तुरंत आइसोलेट किया जाना चाहिए ताकि उनकी वजह से किसी और को ना फैले। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार त्वचा पर चकत्ते को साधारण एंटीसेप्टिक से साफ किया जाना चाहिए। व्यापक घावों के मामले में हल्के ड्रेसिंग के साथ रिकवर किया जाना चाहिए। मुंह के छालों के लिए गर्म नमक वाले पानी से गरारा करना चाहिए। क्या मंकी पॉक्स से डरना चाहिए? हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि मंकी पॉक्स से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया वायरस नहीं है बल्कि एक पुराना वायरस है जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नानावती अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा और संक्रमण रोगों के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर हेमलता अरोड़ा का कहना है कि हम लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है मंकी पॉक्स को किसी दूसरे वायरल संक्रमण के साथ जोड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थी मंकी पॉक्स से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।